लगातार जारी हर हाल मदद हर हाथ मदद इस नारे को लेकर चल रहे लक्ष्य कैंसर अस्पताल लखनऊ के डॉक्टर नवल किशोर साक ने अपनी मेडिकल टीम के साथ यूपी के जनपद औरैया के दिव्यापुर क्षेत्र के एक दर्जन गांव में लोगों को घर घर तक राशन मुहैया कराया। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के चलते 21 दिनों का लॉकडाउन है। 21 दिनों के इस लॉकडाउन के चलते काम कर रहे लोगों के लिए बड़ी चुनौती है और ये लॉकडाउन अब बढ़ भी गया है। ऐसे में राहत का कार्य सरकार के अलावा कई लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर नवल किशोर साके अपने निजी अस्पताल लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल की मोबाइल एम्बुलेंस के साथ औरैया जनपद के दिव्यापुर क्षेत्र के एक दर्जन गांव में पहुंचे और लोगों को खाद्य सामग्री के साथ मास्क सैनिटाइजर इत्यादि का वितरण किया। आप लोग खड़े हो जाएंगे। ए लो बहन खड़े हो, खड़े हो। पांच दस लाख क्या नाम है तेरा? लो बहन खड़ी हो, खड़ी हो। इस दौरान लोगों से डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, दिन में कई बार हाथों को धुलें और साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। जब बहुत जरूरी होने पर आप घर से बाहर निकलें तो सड़कों पर निकलने के बाद यदि पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी आपसे पूछताछ करता है तो शांतिपूर्वक अपने घर से बाहर निकलने की वजह बताएं। बिना वजह के अपने घर के बाहर पैनिक नहीं क्रिएट करें और सड़कों पर गुट बनाकर चलने से बचें। यहां डॉक्टर नवल ने जोर देते हुए लोगों से कहा कि जैसे सरकार ऐसे किसी लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू की बात करती है तो लोगों के मन में एक भय बैठ जाता है कि अब बाजारों के बंद होने की वजह से कुछ सामान बाहर नहीं मिलेगा। इस मुसीबत से बचने के लिए हम जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लाते हैं और बाजारों में इसकी वजह से कालाबाजारी शुरू हो जाती है जिसका खामियाजा भी आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। आप जरूरत के हिसाब से सामान खरीदें। सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर छूट दे रखी है और कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इस अभियान में लगे हुए हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो लक्ष्य कैंसर संस्थान की टीम आपकी सेवा में हाजिर है। कई दिनों से हम आपके क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल की टीम के इस कार्य की लोगों ने काफी सराहना की। आप देख रहे थे औरैया से हमारे सहयोगी संजीव साके की रिपोर्ट। शुक्रिया।